दोस्तों, यूं तो कई अभिनेताओं ने हिंदी सिनेमा में खलनायक की भूमिका निभाई है, लेकिन आज हम जिस अभिनेता की बात कर रहे हैं उन्हें देखकर ही लगता है कि उनका जन्म फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए ही हुआ है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपनी नीली कातिलाना आंखों के लिए प्रसिद्ध बेहतरीन पर्सनैलिटी के साथ हिंदी सिनेमा में 200 से अधिक फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाने वाले अभिनेता तेज सप्रू की। तेज सप्रू को मोहरा, सुरक्षा और गुप्त जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा बड़े पर्दे के साथ साथ छोटे पर्दे पर भी अपने अभिनय के जलवे बिखेरने वाले इन्होंने धारावाहिक कबूल है, सात फेरे और यहाँ मैं घर घर खेली के लिए खूब प्रसिद्धि हासिल की है। तेज में हिंदी सिनेमा में अपने अभिनय कला की एक बेहद लंबी पारी खेली है। उन्होंने करोड़ों लोगों का दिल जीता। इतना ही नहीं, इतनी उम्र होने के बाद भी वो आज अभिनय के क्षेत्र में सक्रिय हैं और अपने प्रशंसकों का अपने अभिनय से मनोरंजन कर रहे हैं। वो अपने दौर के बेहतरीन खलनायकों में से एक माने जाते हैं और आज भी उनके प्रशंसकों की संख्या करोड़ों में गिनी जाती है। आज भी उन्होंने खुद को बेहद फिट रखा है। तो दोस्तों, आज हम हमारी इस वीडियो में अपनी आंखों से ही सबको आकर्षित करने वाले तेज सप्रू के प्रारंभिक जीवन, करियर, पारिवारिक जीवन और निजी जीवन से आपको रूबरू कराएंगे। साथ ही इनके जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी तमाम खबरें आप तक पहुँचाएंगे। तो जानने के लिए हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। बात करें तेज के प्रारंभिक जीवन की, तो उनका जन्म 5 अप्रैल सन 1955 को मुंबई में हुआ था। वो एक फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके माता पिता दोनों ही हिंदी सिनेमा के पूर्व अभिनेता रह चुके हैं। वो एक कश्मीरी पंडित हैं। इनका परिवार कश्मीर के राजा के दरबार से संबंधित है। बता दें, तेज सप्रू बचपन से ही खेलों में काफी दिलचस्पी रखते थे। उन्हें खेलों से इतना लगाव था कि अपने पिता के मना कर देने के बाद भी उन्होंने खेल जारी रखा और जब उन्हें इसके लिए पैसों की जरूरत महसूस हुई तो उन्होंने पार्ट टाइम जॉब भी की। उनके पिता को भी इस बात का बेहद खुशी हुई कि उनका बेटा जॉब करने लगा है। बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि वो महाराष्ट्र के जूनियर बैडमिंटन चैंपियन रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने क्रिकेट में भी अपनी रुचि दिखाई है, लेकिन उस दौर में खेलों को काफी कम महत्व दिया जाता था। तब माता पिता भी नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़े, और इसी प्रकार इनके पिता ने भी उन्हें यही सलाह दी कि वो खेलों की जगह एक्टिंग को अपना करियर बनाए, क्योंकि खेल के क्षेत्र में उन्हें वो सफलता हासिल नहीं हो पाएगी जो वो एक्टिंग में कर सकते हैं। तेज अपने पिताजी को बहुत मानते थे। उन्होंने अपने पिता की बात मानी और अभिनय के क्षेत्र में अपना करियर बनाने का निश्चय किया। अभिनय के क्षेत्र में इनकी बचपन से ही रुचि रही है। उन्होंने बचपन में भी एक फिल्म में बच्चे की भूमिका निभाई थी। वो सन 1965 में मनोज कुमार की फिल्म शहीद में भगत सिंह के छोटे भाई के किरदार में नजर आए थे। जब उन्होंने ये किरदार निभाया तब वो केवल 10 वर्ष के थे। इसके अलावा फिल्म ने उनका रोल बहुत ही छोटा सा था, इसलिए बहुत ही कम लोग जानते हैं। इस फिल्म में बच्चे का किरदार निभाने वाले चाइल्ड आर्टिस्ट तेज सप्रू थे। इन्होंने कभी भी अभिनय की शिक्षा के लिए किसी भी एकेडमी में एडमिशन नहीं लिया। उन्होंने बचपन से ही अपने पिता से एक्टिंग सीखी और इसके अलावा टीवी में दूसरे अभिनेताओं को देख देख कर ही उन्होंने अभिनय सीखा। सही तौर पर उनके करियर की शुरुआत सन 1979 में फिल्म सुरक्षा से हुई, जिसमें वो सकारात्मक किरदार में नजर आए। निर्माता बी सुभाष की इस फिल्म में हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार मौजूद थे, जिनमें रंजीता, मिथुन चक्रवर्ती, जीवन जगदीश, अरुणा ईरानी जैसे कलाकार शामिल हैं। फिल्म के निर्देशक रविकांत नगेज थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, साथ ही दर्शकों ने फिल्म में तेज के काम को भी पसंद किया। इसके बाद तेज ने कई फिल्मों में काम किया, जिसके बाद ये कोबरा फिल्म में नजर आए, लेकिन ये फिल्म असफल रही। बाद में उन्होंने सन 1981 में फिल्म लापरवाह में काम किया, जिसमें वो अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के भाई के किरदार में नजर आए। रविकांत नगेज की इस फिल्म में दोबारा तेज ने अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती और अभिनेत्री रंजीता कौर के साथ काम किया। फिल्म में इनके अलावा सहायक अभिनेता के तौर पर प्रेमा नारायण, इफ्तिखार और शक्ति कपूर जैसे अभिनेता मौजूद थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रही, साथ ही फिल्म में दर्शकों ने इनके काम को बेहद सराहा और इस फिल्म के बाद इनको एक नई पहचान मिली।
एक खलनायक के किरदार में उनकी पहली फिल्म सन 1982 की राजपूत थी। निर्देशक विजय आनंद की इस फिल्म में धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, हेमा मालिनी, रंजीता और रंजीत जैसी बॉलीवुड की महान हस्तियां मौजूद थी। तेज सप्रू की ये पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने इतने बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया और एक नई श्रेणी में अपनी पहचान बनाई। इतने महान कलाकारों के बीच भी उन्होंने अपने अभिनय से सभी का दिल जीता और अपने अभिनय का बेहतरीन प्रदर्शन किया। उनका ये किरदार सभी निर्माताओं और निर्देशकों को इतना पसंद आया कि इसके फलस्वरूप इस फिल्म के बाद उन्होंने अपनी लगभग सभी फिल्मों में विलेन का किरदार निभाया, जिसके बाद उन्होंने सन 1983 की फिल्म हमसे जमाने में काम किया। इस फिल्म के निर्देशक दीपक बहरी थे और फिल्म में तेज ने जीना तमान, मिथुन चक्रवर्ती, काजल किरण, रंजीत, शरद सक्सेना जैसे कलाकारों के साथ काम किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। उन्होंने अपने संपूर्ण करियर में 250 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और अपने अभिनय का बेहतरीन प्रदर्शन दिया। उन्होंने 80 से 90 के दशक में प्यार तो होना ही था, एहसान आपका, कलकट, संबंध, जियो और जीने दो, दर्दे दिल, हमसे है जमाना, फरेब, बेकरार, लाल चूड़ा, आंधी तूफान, कर्म, युद्ध, इंसाफ मैं करूंगा, अंजाम, मैं बलवान, सीतापुर की गीता, कन्वर लाल, पाप को जलाकर राख कर दूंगा, मैं तेरा दुश्मन, सच्चाई की ताकत, मुजरिम, जंगबाज, त्रिदेव, नाग नागिन, इज्जतदार, थानेदार, मुकद्दर का बादशाह, कर्ज चुकाना है, प्रतिकार, कौन करे कुर्बानी, सातवां आसमान, इंतहा प्यार की, इंसान बना शैतान, विश्वात्मा, रात, अधर्म, इसी का नाम जिंदगी, जीना मरना तेरे संग, मुकाबला, जीवन की शतरंज, गुरुदेव, अंदाज, हथकड़ी, किस्मत, लहू के दो रंग, मोहब्बत, दादागिरी, दो नंबरी, माफिया राज नाम की कई फिल्मों में काम किया। 2000 के दशक में वो सुल्तान, बागी, गाजा गामिनी, बिल्ला नंबर 786, ऑफिसर, खतरों के खिलाड़ी, ईंट का जवाब पत्थर, क्रांति, वाह तेरा क्या कहना, राजा भैया, सुनो ससुर जी, असंभव, पहली नजर का प्यार, जिन्हें मेरा दिल लुटिया नाम की कई फिल्मों में नजर आए। इसके अलावा उनकी प्रमुख फिल्मों में इंसाफ की आवाज, आग की आग, पुरानी हवेली, जंगबाज, मजबूर, आज का शहंशाह, थानेदार, जिम्मेदार, अजूबा, साजन, आखिरी मुकाबला, संग्राम, पुलिस वाला, गर्दिश, दुलारा, मोहरा, माहिर, छोटे सरकार, तराजू, सिर्फ तुम, सुल्तान, अलग और रंगीले नामक फिल्में शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने सन 2020 में निर्देशक शेखर शूरी के फिल्म गैंग्स ऑफ बनारस में काम किया। फिल्म में करण नाथ, नथलिया कौर लीड रोल में और तेज सप्रू सहित अभिमन्यु सिंह, शिल्पा शिरोडकर, जरीना वहाब जैसे कलाकार सहायक अभिनेता के तौर पर मौजूद रहे। बड़े पर्दे के अलावा इन्होंने छोटे पर्दे पर भी अपनी अभिनय कला का प्रदर्शन किया है और बड़े पर्दे के साथ छोटे पर्दे पर भी बेहद प्रख्यात हुए। उन्होंने दूरदर्शन के मशहूर धारावाहिक युग से छोटे पर्दे पर अपनी शुरुआत की, जिसके बाद में उन्होंने कुबूल है, सात फेरे, चंद्रगुप्त मौर्य, चक्रवर्ती अशोक सम्राट, भारतवर्ष और प्रधानमंत्री जैसे धारावाहिकों में काम किया। वो सन 2004 में हातिम, 2007 में चंद्रमुखी, 2009 में पालमपुर एक्सप्रेस, 2013 में तुम्हारी पाखी, 2017 में दिल से दिल तक में नजर आए। हाल में उनके 3 धारावाहिक अभी भी चल रहे हैं, जिसमें अनदेखी सीजन 2, बाल शिव महादेव की अनदेखी गाथा और हारफॉल मोहनी शामिल हैं। अभिनय के अलावा इन्होंने लेखन कला में भी अपनी दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने एक प्रेम कहानी लिखी है जो जल्द ही एक फिल्म के तौर पर बड़े पर्दे पर नजर आएगी। अपने संपूर्ण फिल्मी करियर में उन्होंने अंग्रेजी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, गुजराती, बंगाली, मराठी, भोजपुरी, राजस्थानी और पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है और प्रत्येक क्षेत्र में अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिया और खूब नाम कमाया। बात करें इनके पारिवारिक जीवन की तो उनके पिता का नाम दया किशन सप्रू था और इनकी माता का नाम हेमवती था। दया किशन सप्रू हिंदी सिनेमा के पूर्व अभिनेता रह चुके हैं, जिन्हें सप्रू के नाम से जाना जाता था। दया किशन सप्रू ने हिंदी सिनेमा में 1960 से 1970 के दशक में फिल्मों में खलनायक की भूमिका के लिए काफी ख्याति अर्जित की। उन्हें प्रमुख रूप से कुदरत, क्रोधी, अलीबाबा मर्जीना, अदालत, दीवार, मजबूर, जय अंबे मां जैसी फिल्मों के लिए आज भी याद किया जाता है। तेज की मां हेमवती भी हिंदी सिनेमा की प्रमुख अभिनेत्री रह चुकी हैं। उन्होंने अपने दौर में सन 1953 की शिकस्त, 1950 की संग्राम, 1943 की कृष्णा प्रेमा, 1947 की जेल यात्रा और मोहन जैसी फिल्मों में काम किया है।
इसके अलावा तेज की दो बहनें और एक भाई हैं। इनकी छोटी बहन प्रीति सप्रू अपने दौर की एक अभिनेत्री रह चुकी हैं, जिन्हें निम्मो, तेरी मेरी गल बन गई, कुर्बानी जट दी, काकेदा व्या, पुरानी हवेली जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। प्रीति ने उपवन सुदर्शन से सन 2008 में विवाह किया, जिससे उनके दो बच्चे हैं, जिनका नाम रिया वालिया और रेने वालिया है। इनकी दूसरी बहन का नाम रीमा राकेश नाथ है, जो कि एक फिल्म लेखिका हैं और विशेष रूप से हिंदी और पंजाबी सिनेमा में सक्रिय हैं। रीमा की शादी राकेश नाथ से हुई। राकेश नाथ अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के मैनेजर रह चुके हैं। इसके अलावा वो एक लेखक, निर्देशक और फिल्म निर्माता भी हैं। तेज के भांजे यानी रीमा और राकेश के एक बेटे का नाम करण नाथ है, जो कि पेशे से एक अभिनेता है। करण ने ये दिल आशिकाना फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी। तेज सप्रू के एक भाई भी हैं, जिनका नाम विशाल सप्रू है। बात करें तेज की निजी जिंदगी की, तो उनकी पत्नी का नाम धनलक्ष्मी है, जो कि लोकप्रिय अभिनेत्री रेखा जी की छोटी बहन है। इसके अलावा तेज की एक बेटी है, जिनका नाम आकांक्षा सप्रू है। इन दिनों तेज सप्रू अपने परिवार के साथ मुंबई में ही रहते हैं और एक खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। वो हिंदी सिनेमा में सक्रिय हैं और वो इस उम्र में भी अपनी अभिनय कला का बेहतरीन प्रदर्शन दे रहे हैं। हिंदी सिनेमा में उनका विशेष योगदान रहा है, जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने पसंदीदा एक्ट्रेस और एक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।